Hello you all my lovely buddies, a very very warm welcome on this platform. I am your English educator Pooja Sharma, and if I say I am your spy, I am the detective, no, I am not looking forward to change my profession. बिल्कुल भी मुझे अपना profession नहीं change करना है, मैं बहुत अच्छी हूँ इस profession में. But like हम जब बात करते हैं spy और detective, हमारे सबके अंदर एक छोटा सा जासूस तो ज़रूर से होता है. And we are willing to learn more about all these things, और सुनना पसंद करते हैं हम ऐसी स्टोरीज की, ओह कैसे पता चला था, जासूस ने क्या किया था, एंड ऑल दैट. सो इफ यू आर लाइक फ्रॉम दैट, तो आपके लिए ये चैप्टर है. दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट स्पाई एंड डिटेक्टिव एंड थ्रिलर एंड सो ऑन एंड ऑन. तो यहाँ पे प्रेजेंट सभी पर्सन जिन्होंने बचपन में जरूर से ऐसी कॉमिक्स पढ़ी हैं और मजे लिए हैं ऐसी कॉमिक्स को रीड करके, और आइडेंटिफाई भी किया, साथ ही साथ में उसे एग्जीक्यूट करने की भी कोशिश की कि काश मेरी लाइफ में भी कोई ऐसा केस आए जिसे मैं सॉल्व कर सकूँ और मेरा नाम हो जाए. सो दिस इज दी session like for you. Till end we have question answers as well as MCQ part, which is going to make everything clear. आपके बहुत अच्छे से marks आ जाएंगे इसमें. बहुत interesting सा chapter है. So इस interesting के chapter को start करते हैं. But before that, what you have to do is like this session and share it with everyone. One shot जो है वो आपके बहुत helpful रहने वाला है before your exam. So this is the chapter 3rd in this book. हमारी जो book है Footprints Without Feet, उसका जो हमारा 3rd चैप्टर है वेरी इंपॉर्टेंट इट इज. 1st चैप्टर वी हैव डन द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, 2nd चैप्टर वी हैव डन द थीफ स्टोरी, एंड द 3rd चैप्टर इज द मिडनाइट विजिटर. व्हेन वी टॉक अबाउट द मिडनाइट विजिटर, हमारे दिमाग में क्या आता है कि कोई रात को आया है ना. द मिडनाइट विजिटर मतलब रात को आया है. बट बिफोर आई मूव फॉरवर्ड विद दिस चैप्टर, आई वुड लाइक टू टेल यू कि यहाँ पे हमने ना जब भी बात करनी होती है, डिटेक्टिव्स की बात करनी होती है ना, हमारे दिमाग में शर्लॉक होम्स के जैसे नाम आते हैं. उनकी जो सारी राइटिंग्स हैं वो कहीं ना कहीं ऐसी डिटेक्टिव्स वाली ही है. एवरीथिंग जेम्स बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड, यू नो इंडिया की जेम्स बॉन्ड किसे कहा जाता है. इंडिया की जेम्स बॉन्ड है लेडी जेम्स बॉन्ड, उनकी मूवी भी बनी है, एंड दैट इज रजनी पंडित. उन्होंने बहुत फैब काम किया है अपनी लाइफ में और बहुत सारे केसेस को सॉल्व भी किया है. सो अपने अंदर इस एक्साइटमेंट को डेवलप कर लो फटाफट से, एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्टली यू शुड नो अबाउट द ऑथर. द मिडनाइट विजिटर के ऑथर का नाम है रॉबर्ट आर्थर. यस, रॉबर्ट आर्थर की अगर हम बात करें तो इन्होंने ज़्यादातर सारी स्टोरीज ऐसी ही लिखी हैं जो थ्रिलर बेस्ड हैं, जो डिटेक्टिव्स, जो कहीं ना कहीं केसेस को सॉल्व करने वाली हैं. सो यहाँ पे हमारे पास में है रॉबर्ट आर्थर जूनियर. इनको बिकॉज ही वॉज जूनियर, तो ऐसे पहले नाम चलता था जूनियर सीनियर, जैसे हम लोग बोलते हैं ना 1st 2nd 3rd, वैसे ही यहाँ पे ऐसे. ही वॉज बॉर्न ऑन 10th of November 1909 and May 2, 1969 को इनके डेथ हो चुकी थी. वॉज अ राइटर एंड एडिटर ऑफ क्राइम फिक्शन. मेनली क्या लिखते थे, क्राइम फिक्शन के एंड स्पेक्यूलेटिव फिक्शन. नोन फॉर हिज वर्क, इनका एक जो काम था बहुत फेमस हुआ था, हिज वर्क विच वॉज नोन वेरी मच, एंड दैट वॉज फॉर विद द मिस्टीरियस ट्रेवलर रेडियो सीरीज. इनका एक सीरीज चला था, उसका नाम क्या था, द मिस्टीरियस ट्रेवलर रेडियो सीरीज, एंड फॉर राइटिंग द 3 इन्वेस्टिगेटर्स. ये एक तरीके की सीरीज थी ऑफ यंग अडल्ट नॉवेल्स. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट आर्थर, रॉबर्ट आर्थर जूनियर. आपको नाम जरूर से याद रखना है अबाउट दी ऑथर. ओके, मूविंग अहेड. बिफोर वी मूव अहेड वी शुड नो द कैरेक्टर्स. कौन कौन से कैरेक्टर्स है, क्या क्या है, सब कुछ बताती हूँ मैं आपको. एंड तक बने रहना है. ओके, सो If we talk about characters, 1st character is Ausable. Ausable की मैं बात करूँ ना, तो हम पहले जैसे ही डिटेक्टिव्स को देखते तो हमारे दिमाग में कैसा स्ट्रक्चर आता है, एकदम मतलब बॉडीगार्ड्स टाइप में, एकदम हम बोल सकते हैं पर्सनालिटी एकदम कैसी होती है, वेल बिल्ट होते हैं वो, बहुत ही स्ट्रांग दिखने वाले, एकदम कॉन्फिडेंट, जैकेट वैकेट पहना हुआ, चश्मे वश्मे लगाए हुए, मतलब सब में से आउट स्टैंड करते हैं. पता चल जाता है कि ये डिफरेंट पर्सनैलिटी है. ये कौन है, ये है डिटेक्टिव है. उनके पर्सनैलिटी बहुत ऐसे सीक्रेट से रहने वाले, चेहरा नहीं दिखाते, ऑलवेज मास्क एंड हैट एंड लाइक दैट. वो पूरा स्ट्रक्चर उनका अपीयरेंस होता है. बट ऑसेबल बिल्कुल ऐसे नहीं थे, है ना. हमारे जो सामने तस्वीर हम लोग लेके आ रहे हैं वैसी तस्वीर बिल्कुल नहीं थी इनकी. ही वाज नॉट एट ऑल लाइक दैट. ही वाज लिटिल बिट फैटी और थोड़े से मतलब हेल्दी हेल्दी काइंड ऑफ पर्सन थे. देन तो ऑसेबल कौन है, ऑसेबल एक सीक्रेट एजेंट है. ही इज ऑल्सो अ सीक्रेट एजेंट. ही इज ऑल्सो बोला मतलब एक और है यहाँ पे सीक्रेट एजेंट. यस, द 2nd सीक्रेट एजेंट इज मैक्स. दूसरा कौन है, मैक्स है. अब इनका क्या रोल होगा वो भी बताएंगे हम आपको. ये भी एक सीक्रेट एजेंट है, ये एक पेपर को लेने के लिए आते हैं. देन फाउलर, इफ वी टॉक अबाउट फाउलर, अब फाउलर कौन है? फाउलर है तो रोमांटिक राइटर. हु इज ही इज अ रोमांटिक राइटर. लेकिन रोमांटिक राइटर होने के साथ साथ में इनको ना थोड़ा सा चुल मची. इन्होंने सोचा कि मुझे ऐसी स्टोरीज में भी शायद पता करना चाहिए कितना इसके अंदर थ्रिल होता है, कैसे सारी चीज़ें एग्जीक्यूट होती है. तो दैट्स वाई ही मेट किसे? ऑसेबल को. तो फाउलर है तो रोमांटिक राइटर लेकिन उनको ऐसे स्टोरी लिखने का मन में किया है. दैट्स वाई ही वांटेड टू रियली लिव दैट मोमेंट कि कैसे ये सारे इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, कैसे केसेस सॉल्व होते हैं, कैसी होती हैं ये सारी स्टोरीज रियल में. तो ये इस वजह से इनके साथ में ऑसेबल से मिलते हैं फाउलर. ओके, तो जैसे हमारे इमेज चल रहा था कि ऑसेबल का इमेज कैसा होगा, उसने क्या अपीयरेंस होगी, कैसा होगा, सेम फाउलर के साथ में भी होता है. सो द स्टोरी इज अबाउट द विटी सीक्रेट एजेंट ऑसेबल. ऑसेबल जो है वो विटी है, सीक्रेट एजेंट है, लेकिन ही समवेयर नॉट लुक्स लाइक दिस. वो ऐसा बिल्कुल नहीं दिखते हैं जैसा यहाँ पे आपको दिखाया, ऐसा बिल्कुल नहीं दिखते हैं. ही वाज विद अ राइटर. राइटर का नाम क्या मैंने बताया आपको? फाउलर. फाउलर के साथ में वो होता है. फाउलर उनको मिलता है होटल में और वो कहता है कि भाई मुझे आपके साथ में बातचीत करनी है बैठ के, ताकि मैं एक राइटिंग कर सकूँ ओवर सम सीक्रेटिव टॉपिक्स. ठीक है. दे प्लान टू स्पेंड टाइम इन द इवनिंग. उन्होंने कहा ठीक है भाई हम इवनिंग में मिलकर के बातचीत करेंगे इसके बारे में और आप चलो. उनका रूम होता है होटल में, उनका रूम होता है ऑन द 6th फ्लोर. कौन से फ्लोर पे? 6th फ्लोर पे उनका रूम होता है. तो ऑसेबल लेके जाता है उनको अपने रूम तक. ओके, देन बट द फाउलर रियलाइज दैट ही इज एग्जैक्टली द अपोजिट ऑफ व्हाट ही हैड इमेजिनड अबाउट हिम. लाइक हमने जैसे इमेजिन किया है वैसे ही फाउलर ने भी इमेजिन किया था, लेकिन देख के लगा नहीं. तो ही वाज हैविंग द थॉट्स इन हिज माइंड. फाउलर को लगा कि यार यहाँ से तो कुछ भी नहीं मिलने वाली, कोई अच्छी स्टोरी नहीं मिलने वाली, मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, कुछ भी नहीं है, ऐसा करके उनके दिमाग में चल रहा था. राइट, क्योंकि हम हमेशा यहाँ से जो हमें कह सकती हूँ वट वी लर्न फ्रॉम दिस लेसन, हमें क्या वैल्यूज सीखने को मिलती है कि हम हमेशा हर किसी को उनके अपीयरेंस से, वो कैसे दिखते हैं उनके अपीयरेंस से ही जज कर लेते हैं. जैसे हिंदी में कहा जाता है और इंग्लिश में तो बहुत अच्छी लाइन बोली जाती है, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर. ऑलवेज डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर. कहा जाता है ना कि भाई जो कवर है वो अच्छा हो जरूरी नहीं अंदर की चीज पढ़ने में भी उतनी ही पावरफुल और इतनी ही अच्छी इंप्रेसिव और मैसेजफुल हो. तो यहाँ पे ये पॉइंट इसलिए ही जरूरी है क्योंकि ऑसेबल दिखते थे ऐसे, बट ही वॉज मतलब लाइक हमारे जो बोलते हैं ना अरमानों पे पानी फेर दे कि यार ये तो क्या ही स्पाई होंगे, इन्होंने तो क्या ही सॉल्व किए होंगे, इनसे मेरे को कुछ अच्छा नहीं मिलने वाला है. देन हाउएवर ऑसेबल अश्योर्ड हिम. ऑसेबल कहता है कि अरे तुम इतना ज़्यादा मत सोचो, आई विल चेंज योर थॉट्स एंड ही वुड गेट अ वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट. अब रिपोर्ट की बात आती है तो रिपोर्ट इज काइंड ऑफ अ पेपर, और ये पेपर किससे रिलेटेड है? मिसाइल से रिलेटेड है. तो एजेंट्स का काम होता है बेसिकली कि आपने देखी होगी अगर जैसे वॉर मूवीज है, टाइगर जिंदा है मूवीज है, इस टाइप की मूवीज देखते हैं हम, तो वहां पे हम क्या देखते हैं? जो एजेंट्स की बात कर रहे हो सिंपली, तो उनका काम क्या होता है कि कहीं से सीक्रेटली कोई पेपर्स को लेके आना और दूसरी जगह तक डिलीवर करना, और ऐसे ताकि वो सबके साथ में स्प्रेड नहीं हो, किसी और को पता ना चले दैट व्हाट वी दे आर कुकिंग, है ना. तो ये सारी चीजें, वैसे ही इसी तरीके से ऑसेबल को भी यहाँ पे कुछ पेपर्स मिलने वाले हैं एंड दे आर फॉर द कंट्री को बचाने के लिए एक मिसाइल टाइप के पेपर्स है जिसके ऊपर पूरी रिपोर्ट लिखी हुई है, विच वुड डिसाइड द फ्यूचर ऑफ द कंट्री, जो कि फ्यूचर बताएगी कंट्री का. और वो किसको मिलने वाला है? ऑसेबल को मिलने वाला है. ऑसेबल ने ये बात बता दी फाउलर को. फाउलर ने कहा ठीक है चलो कुछ इंटरेस्टिंग आ रहा है तो मैं उसके साथ में 6th फ्लोर पे जाऊंगा एंड बात करेंगे. देन दे वेंट टू हिज रूम. ऑसेबल के रूम में जाते हैं, बट व्हेन दे एंटर द रूम, जब वो एंटर करते हैं रूम में, तो रूम में ऑलरेडी एक थर्ड पर्सन होता है. अब आपको पता ही है हु इज द थर्ड पर्सन हियर. कौन है? मैक्स है यहाँ पे थर्ड पर्सन. मैक्स भी सीक्रेट एजेंट है, ऑसेबल भी सीक्रेट एजेंट है. तो मैक्स को क्या लगता है कि मैक्स को पूरी पता होता है, ही न्यू वेरी वेल कि ऑसेबल के पास में पेपर्स आने वाले आज, तो वो ऑसेबल से वो पेपर्स चुरा करके भागना चाहता है. तो मैक्स इज ऑलरेडी देयर इन द रूम. अब वो जब जैसे ही डोर खोल के अंदर जाते हैं, मैक्स जो है वो गन लेकर के तान के खड़ा है उनके सामने कि भाई आ जाओ तुम, तुम्हारा स्वागत है यहाँ पे, ऐसा करके. एंड देन व्हेन दे एंटर्ड, तो अब ऑसेबल का दिमाग चलता है कि मुझे अपनी कंट्री को बचाना है, ये पेपर्स मेरे पास आने वाले हैं, यहाँ पे मैक्स भी है और मैक्स के पास में गन भी है, तो मैं कैसे अपनी जान को भी बचाऊँ और साथ ही साथ में कंट्री को भी बचाओ, उन पेपर्स को भी बचाओ, ऐसा सारी चीजें दिमाग में उनके चलती है. एंड ही इज विटी एज वेल. ऑसेबल बहुत विटी होता है, क्विक डिसीजंस लेते हैं, क्विक मैनिपुलेट भी कर सकते हैं लोगों को. तो ये सारी चीजें उनके दिमाग में उसी वक्त चल रही होती है. और तभी मैक्स कहता है कि अरे आराम से बैठो, तुम्हारा ही कमरा है यार, तुम आराम से बैठो, अभी तो पेपर्स को आने में 1 घंटा लगेगा, तो तुम बैठो आराम से, चिलविल करो, ऐसा करके यहाँ पे बात होती है. सो मैक्स विद अ गन एंड स्टैंडिंग इन द रूम, ही आस्क्स देम टू बी कंफर्टेबल अंटिल द रिपोर्ट रिलेटेड टू मिसाइल अराइव्ड, कि जो मिसाइल है, मिसाइल से रिलेटेड रिपोर्ट्स आती हैं, तब तक तुम आराम से बैठो और परेशान मत हो, ये सारी चीजें वो कहते हैं. नाउ जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो उसी वक्त लाइक ऑसेबल जो है इमेजिनेटिव एक स्टोरी क्रिएट कर लेते हैं अपने दिमाग में। तो ऑसेबल क्रिएट करते हैं कि इमेजिनेटिव से स्टोरी और वो कहते हैं कि मैक्स यार तुम भी उस बालकनी से आए हो ना, ये बालकनी से मैं परेशान हो चुका हूँ। तो फाउलर दिमाग में लगाता है, वो सोचता है कि बालकनी, इधर तो कोई बालकनी वालकनी है ही नहीं, ये ऑसेबल एकदम से बालकनी की बात क्यों करने लग गया है। तो वो ऑसेबल कहते हैं कि पिछले 2 महीने में 2 बारी 2 जने आ चुके हैं यहाँ पे इस बालकनी के थ्रू, और ये बालकनी जो है वो नेक्स्ट जो यूनिट में कुछ ऐसी बिल्डिंग्स है, नेक्स्ट यूनिट की जो बिल्डिंग है वहाँ से कनेक्ट होती है, इंटरकनेक्ट होती है, और वो सीधा यहाँ पे मेरे रूम में आ जाते हैं और तुम भी वहीं से आए हो ना। तो मैक्स कहता है कि नहीं नहीं मैं तो वहाँ से नहीं आया हूँ, मुझे पता होता तो मैं डेफिनेटली वहीं से आता, बट मैं वहाँ से स्टेयर से यूज़ करते हुए नहीं आया हूं। देन जब ये सारी चीजें बातें चल रही होती हैं तो वो अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करते हुए ये सारी चीजें इमेजिनेटिव चीज बता देता है कि तो अच्छा तुम बालकनी से आए, ऐसा ऐसा कर, तो उसको माइंड को क्या कर रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है, उसको एक हिंट दे रहा है कि यहाँ पे एक बालकनी है। तभी जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लग जाता है। ओके Yeah, while they were talking, Ausable started with the story. हो गया. Then had entered the room balcony last month below his room. While his talk was going on, a sudden knock was heard at the door. तो जब वो ये सारी चीजें बातें कर ही रहे होते हैं, जोर जोर से थोड़ा सा knock होता है डोर पे। जब knock होता है डोर पे तो मैक्स सोचता है भाई कौन है, क्या है, सब जने ऐसे सोचने लग जाते हैं who is there. Ausable फिर से प्रेजेंस ऑफ माइंड को वहाँ पे यूज करता है और बोलता है अरे ये तो पुलिस है, मैं पुलिस को बोल के आया था कि भाई मेरे पास में बहुत सारे अच्छे लाइक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फिडेंशियल पेपर्स आने वाले हैं, सो फॉर दैट आप बार बार आके चेक करते रहना कि कहीं पे मुझे कुछ हो तो नहीं गया, या पेपर्स मिसिंग तो नहीं हो गए, या कहीं पे कोई आकर के मुझ पे अटैक वटैक तो ना कर दे। ये सारी चीजें वो बोल देता है। अब कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, दरवाजे पे नॉक हो रहा है। वहाँ पे मैक्स जो है वो दोनों के ऊपर ऐसे गन तान के खड़ा हुआ है कि तुम मूव मत करो, तुम मूव मत करो। देन मैक्स सोचता है कि ऐसा करती हूँ कि चलो यहाँ पे बालकनी है तो मैं बालकनी में जा करके खड़ा हो जाता हूँ, वहाँ पे मैं हाइड कर लेता हूँ अपने आप को, पुलिस जब चली जाएगी मैं वापस से आ जाता हूँ। अब जोर जोर से अगेन क्या हो रही है, आवाज़ आ रही है नॉकिंग की ऑन द डोर। मैक्स विंडो की तरफ जाता है, विंडो पे थोड़ा सा बैठता है और टर्न करके बालकनी की तरफ जाने की कोशिश करता है। जब टर्न करके बालकनी की तरफ जाता है तो धड़ाम से आवाज़ आती है, बहुत ज़ोर से धड़ाम से आवाज़ आती है और चीखने की भी आवाज़ आती है मैक्स की। ऑसेबल जाकर के दरवाज़ा खोलता है, तभी तक ऑसेबल जब दरवाज़ा खोलता है तो दरवाजे पर वेटर होता है और वो उनके लिए ड्रिंक लेके आया होता है। ओके चलो वो मैक्स कह देता है दैट ही वुड बी वेटिंग इन द बालकनी ड्यूरिंग दिस टाइम, ऑसेबल शुड सेंड अवे द पुलिस, और इस वक्त क्या करना चाहिए वो पुलिस को वापस से भगा दे। ओके नाउ एज द डोर नॉब इज टर्न्ड एंड लाउड मैक्स जम्प्स आउट ऑफ द विंडो एंड दे हैड अ लाउड स्क्रीम, उन्होंने सुना वहां पे, एंड वेटर कम्स इन, वेटर अंदर आ जाता है। द वेटर सेज दैट ही हैज बॉट द वाइन दैट ऑसेबल हैड ऑर्डर, वेटर कहता है कि सर लीजिए लीजिए आपने जो वाइन ऑर्डर किया था ये मैं ले आया हूँ। फाउलर अब दिमाग लगाता है, फाउलर कहता है तुम तो कह रहे थे पुलिस है, तुम कह रहे थे वहां पे बालकनी है, ये सब क्या चल रहा है, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सोल्यूशन कुछ पता नहीं, क्यों क्या चीजें हो रही है ये सारी चीजें। दैट टाइम ऑसेबल बताता है दैट ऑसेबल ने लाई किया कि मैं पुलिस को बोल के आया हूँ और पुलिस चेक करने आया, नहीं ये तो मैं ही ऑर्डर करके आया था और उसको बोल के आया था वाइन ले आना रूम में, क्योंकि हम दोनों मिलकर बातचीत करने वाले थे। एंड इसी तरीके से उन्होंने क्या किया, इंटिमेट किया। इंटिमेट मैक्स मतलब कि उसको डराया, इंटिमेट करना मतलब कि डराना होता है। फाउलर अगेन पूछता है कि अरे पर मैक्स तो वेट कर रहा है कहाँ पे, बालकनी में वेट कर रहा है। तो ऑसेबल कहता है कि नहीं देयर इज नो बालकनी हियर, यहाँ पे बालकनी है ही नहीं, ये तो मैंने उसके दिमाग को इस तरीके से सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि वो सोचे उसको कि वहाँ पे बालकनी है और उसने मुझ पर ट्रस्ट किया और वो बालकनी की तरफ चला गया। देयर इज नथिंग, ही कुक्ड अप द एंटायर स्टोरी, उसने अपने दिमाग में अपनी स्टोरी पूरी बना करके क्या कर दी वहाँ पे प्रेजेंट की थी। एंड इन ऑर्डर टू कन्विंस, मैक्स को कन्विंस कर दिया कि हाँ भाई वहाँ पे बालकनी, और उसने ब्लाइंडली बिलीव भी किया। नाउ दिस शोज, ये पूरी स्टोरी से क्या पता चलता है कि उसने पेपर्स बचा लिए, अपनी जान भी बचा ली, और गन जो थी उसके पास में, मे बी मैक्स के पास में गन थी लेकिन मैक्स के पास में माइंड नहीं था, ऑसेबल के पास में माइंड था। ही वॉज आउटविटेड, तो उसको उसने अपने माइंड का यूज करते हुए, चाहे उसके हाथ में हथियार था उसका भी कोई फर्क नहीं पड़ा, और उसने अपनी जान बचाई, पेपर्स बचाया, कंट्री को भी बचा लिया। ये सारी चीजें हमें सीखने को मिली। Okay, in this way this case was solved. Now what we learned from this is the important part here. आपको ये learn करना ही करना है, बहुत important है that he used the quick wit of Ausable, wit मतलब wisdom को लेकर के use किया गया। He took advantage of the situation and successfully made Max nervous. उसने situation का इतना advantage लिया कि Max को nervous कर देते हैं। हम भी करते हैं ना, अरे भाई तुमने भी किया होगा जिंदगी में, हम ना बहुत बदमाश होते हैं, मैं बताती हूँ तुमने भी जरूर से किया होगा। डेफिनेटली अगर तुम्हारे छोटे भाई बहन है या बड़ा भाई बहन है तो तुम क्या करते हो, तुम ऐसे ना मम्मी के पास में जाकर के जब भाई बहन बहुत परेशान करते हैं ना, तो तुम थोड़ा सा ना बोलते हो मम्मी के पास जाके आ रहा हूँ मैं, मम्मी को बोल के आऊंगा तुमने ये किया वो किया। अब मम्मी के पास में जाके हम चाहे कहते कुछ नहीं है उनको, लेकिन वापस आ जाते हैं। ठीक है, अब मम्मी ने आवाज लगा दी अगर आपके भाई और बहन को, तो वो उसकी तो मतलब गया, वो तो उसको डर है कि ये सारी चीजें बोल के आ गया, और वहां जाके वो खुद ही बोल देगा हाँ मम्मी मैंने ऐसे ऐसे किया था। अब मम्मी सोचती है भाई तुझे क्या हो गया, ये सब चीज मैं पूछ नहीं रही, तुम क्यों बता रहे हो मुझे ये सारी चीजें, और तुमने ऐसी सारी सब चीजें भी करी है लाइफ में। तो ये जो सिचुएशंस होती है हम भी ऐसा करते हैं। सिमिलरली उसने भी इसके दिमाग के साथ में खेल लिया और उसको नर्वस कर बना दिया। अंडर हिज नर्वसनेस ही जंप्ड आउट ऑफ द विंडो एंड विदाउट एनी थॉट उसने क्या किया, जंप कर दिया और टॉप फ्लोर से वो 6th फ्लोर से कहाँ पहुंच गए, नीचे पहुंच गए होटल के, एंड हैंस डाइड। दस ऑसेबल आउटविटेड, और इसी तरीके से किसे आउटविट किया है, मैक्स को, एंड सेव्ड हिमसेल्फ फ्रॉम अ वेरी डेंजरस सिचुएशन। तो यहाँ पे ये पूरी इंटरेस्टिंग सी, मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगी थी कि कैसे एकदम छोटी सी एक थोड़ा सा इंसिडेंट है, बट आपने यूज किया अपने दिमाग को और उस इंसिडेंट को होने से रोक लिया, और बहुत सारी चीजें आप मतलब आप इससे लर्न कर सकते हो। राइट, तो फर्स्ट थिंग व्हाट वी लर्न दैट डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, उन्होंने सॉल्व करा इसको। सेकंड थिंग इज व्हाट दैट यू कैन मैनिपुलेट, डोंट बी नर्वस व्हेन सम न्यू थिंग्स हैपन। आपके सामने अचानक से कोई बंदूक लेके खड़ा है तो आप नर्वस होकर ऐसे पिलपिला मत जाओ, ऐसा कुछ भी मत करो, जस्ट बी यू एंड यूज योर विटनेस। यहाँ पे हमने ये सारी चीजें सीख ली है। आई होप दैट यू लर्न वेरी वेल एंड नाउ We get ready for the Are you ready part here. Are you ready में मैं लाती हूँ हमेशा कुछ MCQs, तो MCQ है यहाँ पे and do answer them in the comment section. Practice होगी इससे, और practice करने से आपका भला होगा। तो very first question is how did Fowler imagine Ausable before meeting him? Ausable से मिलने से पहले फाउलर के दिमाग में कैसा था कि Ausable कैसे होंगे। ए चबी लुकिंग स्पाई, नेवर वी थॉट ऑफ अ स्पाई लाइक दिस। राइटर का फ्रेंड, क्विक विटेड सीक्रेट एजेंट एंड मिस्टीरियस फिगर इन द नाइट, नो। सो द सी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। ओके, मूविंग अहेड, व्हाई डिड मैक्स एंटर हिज रूम, मैक्स क्यों आता है किसके रूम में, हिज रूम मीन्स Ausable के रूम में, अगर हम बात करें हिज रूम मीन्स Ausable के रूम में क्यों आता है। टू शूट फाउलर, टू शूट Ausable, और टू स्नैच अ क्रूशियल रिपोर्ट फ्रॉम Ausable, और टू स्नैच अ क्रूशियल रिपोर्ट फ्रॉम फाउलर। देखो यहाँ पे तुम जाते हो कंफ्यूज, फाउलर भी है Ausable भी है। द करेक्ट वन इज ए बी सी डी, सी वन इज द करेक्ट आंसर। ओके, वो Ausable से रिपोर्ट स्नैच करने के लिए आता है। देन वी हैव द डिटेल आंसर हियर। नाउ Ausable वाज अ क्लेवर सीक्रेट एजेंट, डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट, जस्टिफाई योर आंसर। यहां इस क्वेश्चन से तुम कैरेक्टर स्केच भी बना सकते हो, और इस तरीके से ही क्वेश्चन आएगा आपको दैट हाउ यू आइडेंटिफाई, हाउ यू आंसर दैट, व्हाट आर योर जस्टिफिकेशंस ओवर दैट। सो दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Ausable का कैरेक्टर स्केच के फॉर्म में आपको क्वेश्चन डायरेक्ट ना देकर के इस फॉर्म में भी दे सकते हैं। आपको जब कैरेक्टर, आप लोगों को क्या आदत हो गई है, सिर्फ आपको एक आदत हो गई है कि हमको कैरेक्टर स्केच याद करना है, कैरेक्टर स्केच याद करना है। अब वो यहाँ पे कैरेक्टर स्केच वर्ड ना देकर के ऐसे क्वेश्चन दे दे तो भी तो हमें याद करके वही आंसर लिखना है। सो जस्ट रीड इट। Ausable डिड नॉट लुक एट ऑल लाइक द कन्वेंशनल इमेज ऑफ अ सीक्रेट एजेंट, ही वाज शॉर्ट एंड वेरी फैट, बिसाइड ही स्पोक, या वेरी इंपॉर्टेंट दैट ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन, एंड साथ ही साथ में उसकी फ्लुएंसी इतनी अच्छी थी दैट उसका एक्सेंट जो है अमेरिकन एक्सेंट था। Okay, so he had the American right accent and the American accent was quite palpable in his speech. तो ये हमने किसके बारे में जाना, about the clever secret agent, and that was Ausable. Okay, moving ahead. However, Ausable had a very sharp and active mind because he invented 2 stories, one about a non-existent balcony and outside his hotel window, and the other about the police arriving to give extra security to some important documents he was about to receive. Okay, he was an intelligent man and a clever secret agent to be able to invent such stories on the spur of the moment. On the spur of the moment जरूर से लिखना इस story के अंदर, जहाँ पे भी question आए this line is very important. On the spur of the moment he used it. In the face of imminent danger in the form of Max, a rival secret agent. So हमने यहाँ पे जान लिया that he invented 2 story. Who? Ausable invented 2 story. He was sharp and active minded. First was about non-existence of the balcony, and the second was about the police. Okay, and anyhow he convinced him. Now the next question, why did Ausable frame the story of the balcony? क्यों उसने फ्रेम किया Ausable ने बालकनी का? अभी तक आपके दिमाग में नहीं आया होगा ये डेफिनेटली क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर्स के दिमाग में ही आते हैं, वो ही इस तरीके के क्वेश्चंस पूछते हैं। सो Ausable फ्रेम द स्टोरी ऑफ द बालकनी टू काउंटर द यूज ऑफ पिस्टल, यूज ऑफ पिस्टल बाय द राइवल सीक्रेट एजेंट मैक्स टू थ्रेटन हिम। क्योंकि उसके पास में पिस्टल थी लेकिन Ausable के पास में कोई भी औजार नहीं था। ही वॉज लाइक बोलते हैं ना बेयर हैंडेड, ही वॉज बेयर हैंडेड, उसके पास में लाइक कोई भी औजार, कोई भी पीपल नहीं थे, तो यहाँ पे बोला गया है। तो उसको काउंटर करने के लिए उसने अपने दिमाग का यूज किया उस चीज का। द राइवल वुड हैव बीन एबल टू गेट द इंपॉर्टेंट रिपोर्ट अबाउट द न्यू मिसाइल्स इफ ऑसिबल हैड नॉट कॉन्केटेड दिस स्टोरी। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस स्टोरी। मैंने आपको क्वेश्चन आंसर्स कराए हैं, मैंने आपको स्टोरी का जस्ट बताया है, मैंने साथ ही साथ में थीम भी बता दिया है दैट डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, इट्स ऑल अबाउट दिस। सो ऑन दिस नोट आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। एग्जाम से पहले डेफिनेटली अपने फ्रेंड्स के साथ में ये जरूर से शेयर कर लीजिएगा, इट इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। एंड टाटा, बाय एंड थैंक यू।